आना। आज सु के 3 दिवसीय महाधिवेशन की जो सबसे खास बात बताई गई वो ये कि दूसरे दलों से भी लोगों को आमंत्रित किया गया जो झारखंड की सोच रखते हैं, उस सोच के साथ अगर इस मंच पर अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया। तमाम राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया है, उसमें से कुछ दल के लोग आए हैं, कुछ दल के लोग नहीं आए हैं। 2 दिन का सत्र और बचा हुआ है, लिहाजा उसमें देखने वाली बात होगी। हमारे साथ आंदोलनकारी JDU नेता आफताब जमील साहब है। दादा, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि अपने मंच में दूसरे दलों को लोगों को आमंत्रित किया जाए, और बड़ा असहज स्थिति है क्योंकि राजनीति में बड़ा ये नैरो मेंटालिटी के साथ भी लोग काम करते हैं कि बस एक ही पार्टी या एक ही यस सर यस बॉस के साथ चलना है। क्या लगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ आपका आपका भी कहना सही है, लेकिन ये आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात हुई है। माननीय सुदेश महतो जी ने, चूँकि हम लोगों के ये छोटे भाई भी रहे हैं और आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया है और शुरुआती दौर से ये हम लोगों के साथ में थे, तो इनको ये लगा कि जितने आंदोलनकारी जो हाशिए में हैं उनका कम से कम समाचार लिया जाए, वो किस हालत में हैं, उनकी जीविकोपार्जन कैसे चल रही है, वो कैसे जी रहे हैं, उनका परिवार कैसे जी रहा है। चूँकि जिसको ये करना था उन लोगों ने तो किया नहीं, आंदोलन के बल पर राज तो बन गया लेकिन आंदोलनकारियों को हाशिए पर भेज दिया गया, तो आंदोलन को कारियों को इन्होंने सम्मान देने का काम किया है। दूसरे दलों को भी इस लाइन में काम करने की ज़रूरत है कि दूसरी विचारधारा, दूसरे लोगों को अपने मंच पर बुलाया जाए। बेशक, इसमें इन्होंने तो सारे पार्टियों को यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया, जो भी पार्टी या दल में है, जो लोग जो पार्टी दल में न भी हों उनको इन्होंने बुलाने का काम किया है, और जो वरिष्ठ आंदोलनकारी थे उनको इन्होंने बुला करके उनको सम्मान देने का काम किया और उनको पूछने का काम किया। कम से कम आज के समय में ये जरूरी है। कोशिश करेंगे कि JDU में आप अपने स्तर से इस तरह की बातों को रखें। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड का जो साख है, जनता दल यूनाइटेड इस बात को मानती है, और माननीय नीतीश कुमार हम लोगों के आंदोलन के ऊपर माने जितने भी आंदोलनकारी थे उनके सम्मान में इन्होंने भी बहुत काम किया है। राज्य के अलग निर्माण में माननीय नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके बिना तो राज्य ही संभव नहीं थी। और भी लोग हैं, उनसे बात कर। दादा, आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलनकारियों को एक बड़े मंच में सम्मान मिला है, क्या 23 सालों में ऐसा कभी मौका नहीं आया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैंने भी इस मंच पर आज यही कहा कि झारखंड बने हुए लगभग 23 साल हो गए, लेकिन ये जो झारखंड आंदोलनकारियों को जिसके बदौलत ये राज्य बना उनको आज तक सरकार सम्मानित करने का काम नहीं की है। वाकई आसू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री सुदेश महतो जी, उन्होंने अपने वरिष्ठ साथियों को एक मंच पर लाकर झारखंड के लिए एक नया उलगुलान की शुरुआत की है, और हमने इसी मंच पर उनसे कहा है कि आप इसी तरह से अगर काम करें तो झारखंड के आंदोलनकारियों को जो आज हाशिए पर जाने के साथ साथ जो कहीं ना कहीं 50+ क्रॉस कर चुके हैं, उनको सरकार का एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस बीमा योजना के साथ उनको जोड़ दिया जाए तत्काल। और सम्मानित तो आपने किया है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारियों को इस दिशा पर जल्द सम्मानित किया जाए। तो जाहिर सी बात है तमाम जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं इस बात को लेकर खुश हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो झारखंड की ज़मीन से उपजी हुई पार्टी है, आंदोलन की उपज वाली पार्टी है, वैसी पार्टी ने झारखंड के वास्तविक आंदोलनकारियों को एक बड़े मंच पर सम्मान देने की कोशिश की जिसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। आपको याद होगा है कि झारखंड आंदोलनकारी जो लोग हैं वो अपनी पहचान और शिनाख्त को कायम रखने को लेकर के एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, और जो झारखंड चिन्हितीकरण आयोग है उसमें कई मामले ऐसे लंबे थे, कई ऐसे आवेदन लंबित हैं जिसमें चिन्हितीकरण का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, लिहाजा उनको जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती है। बहरहाल राजनीतिक तौर पर आसू की तरफ से एक बड़ा मंच के माध्यम से इन बातों को रखने की कोशिश की गई है। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए शहनवाज।